मैं चेयरमैन मसीही अवामी पार्टी सलामत खोखर, ये अपने सब साथियों के साथ मिलकर पादरी शहजाद बख्श और हमारे एडवोकेट साहब यूनुस अहद खान साहब, हम गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि ये हमारे रोजे हैं, रोज़ों के दिनों में हमारी ये दरख्वास्त है गवर्नमेंट के आगे कि ये इस माह में शराब खाने बंद किए जाएं, ताकि हमारे लोगों को भी इस चीज़ का यकीन हो कि हमारे साथ बराबर का सलूक किया जा रहा है। क्योंकि जब रमज़ान मुबारक का महीना होता है तो उस टाइम पूरा महीना जो है ना शराब खाने बंद रहते हैं। हमारी मसीही कौम की गवर्नमेंट के आगे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे रोज़ों में भी ये जो शराब खाने हैं इनको बंद किया जाए, ताकि हमें भी ये यकीन हो जाए कि हमें मुल्क पाकिस्तान में बराबर के हकूक़ मिल रहे हैं। ये जो बातें हो जाती हैं, हुकूमत ये बातें कर देती हैं, पार्टियाँ ये बातें कर देती हैं कि जी अकलीतें या मसीही लोग जो हैं हमारे बराबर के हकूक़ के शरीक हैं, लेकिन यहाँ हमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही। क्योंकि ये तीन दिन, ये तीसरा हमारा जो है ना, हम तीसरा प्रोग्राम ये इसमें कर रहे हैं, अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं सुनी। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको आज ही इसको जो है ना रोज़ों के लिए बंद किया जाए।